तो फ्रेंड्स ये नई नेक्सॉन ईवी, ये फर्स्ट सर्विस के लिए आई है। देख सकते हैं इसका नया लुक ऐसा है। आगे से डिजाइन को पूरा चेंज कर दिया है, देखो ये इसके शानदार डिजाइन और इंडिकेटर्स वगैरह काफ़ी शानदार दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये इसका पीछे का लुक इस तरह से है। पीछे आपको यहाँ नेक्सॉन ईवी देखने को मिलता है, यहाँ पर मिलता है कैमरा इसने, और इसमें आपको एक लंबी सी लाइट दे दी गई है, ठीक है। इसमें देखते हैं वाइपर इसका अंदर की तरफ दिया हुआ है, देखते हैं दिख रहा होगा आपको हीरा जो ही अंदर की तरफ रहता है इसमें। अब इसे लगा देखते हैं अंदर और देते हैं टिकट खोल जाते हैं, देखिए पहले जैसे ये है, तो साइज थोड़ा कम कर दिया जाएगा यहाँ से। यहाँ पे एक स्पीकर दे दिया आपको, इसमें चार्जर दे रहा है इसका, नीचे इसकी स्पेयर व्हील और जैक हैंडल। इसके अंदर से कुछ इस तरह से ही है, जिसे साइड से कुछ ऐसा है। फिर सभी ये फर्स्ट सर्विस आई है, फर्स्ट सर्विस पे इसमें जनरल चेकअप होता है, वॉशिंग होती है जी। इसने आपको रियर का कुछ ऐसा व्यू दिखता है, इसके अंदर का दिखा सकते हैं। पीछे आपको दो सीट ऐसी मिलती है, सीट बेल्ट देखते हैं, पीछे कुछ व्यू इस तरह से है। यहाँ आपको सनरूफ मिल जाता है एक, ठीक है। पीछे से कुछ इसमें फर्स्ट सर्विस है, इसमें दिक्कत आ रही है, सीट बेल्ट लग नहीं रहा, वो चेक करेंगे अभी, ठीक है। इसमें दिक्कत और आ रही है कि इसका ये फ्यूल कैप है, जो ये चार्जिंग कैप, ये खुलता नहीं है वहाँ से खोलने के बाद भी, ठीक है। तो इसको चेक करना है अभी हमें, आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू, ठीक है। देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर कुछ इस तरह से है, ये देख सकते हैं। यहाँ इससे इसका मोड फैंस मोड भी चेंज हो चुका है, पहले आपको ऐसे मिलता था गोल वाला, इसमें अब ऐसे कर दिया मोड, पार्किंग ये सब चेंज कर दिया है। और इससे इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी कर दी गई है अब इसकी, फैंसी सनरूफ यहाँ से खोल सकते हैं। फैंस इसमें आपको मैनुअल मिल सकता है, आप अपने बोल्ट भी खोल सकते हैं, ठीक है। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, गेट खोल लेते हैं, ठीक है। स्विच इसका देखते हैं, कुछ इस तरह से लाइटिंग आती है यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद, देखते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, इसमें डालूंगा ड्राइव में, तो देखते हैं इसमें कैमरा है, जैसे क्लिक करेंगे 360 डिग्री व्यू पे, देख सकते हैं यहाँ से ऑन हो गया, डालेंगे रिवर्स, ये रिवर्स कैमरा, ठीक है। अब यहाँ पहले बटन बटन मिलते थे आपको, अब ये पूरा स्क्रीन वाला कर दिया गया है, कहते हैं इसको जिससे अभी 91% पे आपको 284 की रेंज मिल रही है, जबकि सिटी मोड में है। हम डालते हैं इसको इको मोड, इको मोड में आपको मिलती है 301 किलोमीटर की रेंज, वहीं स्पोर्ट्स मोड में आपको 270 किलोमीटर रेंज मिल रही है। ओपन सनरूफ, श्योर ओपनिंग सनरूफ। क्लोज सनरूफ, सॉरी प्लीज कनेक्ट फोन एंड रीट्राई। Close sunroof. Sure, closing sunroof. गाड़ी कितने परसेंट चार्ज है? आपके पास 91% चार्ज है। इसका इंजन, इंजन पहले की तरह से ही है, इंजन में कुछ चेंज नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या स्पेस बढ़ा दिया गया है,
उसमें स्पेस कम है जैसे यहाँ पर है, जैसे मैकेनिक काम करने में आसानी होती है, यहाँ पर स्पेस बढ़ गया दोनों तरफ, यहाँ भी है और इस तरफ भी स्पेस बढ़ा दिया। ये और ये दोनों कूलेंट के हैं, एक बैटरी का है और नीचे दूसरा ई ड्राइव का है। तो ये नीचे पीडीओ है, ये ब्रेक ऑयल का है, ठीक है, और वहाँ पर वो वाइपर का है। चेकअप में ये सब कूलेंट में चेक होता है, ब्रेक ऑयल चेक होता है और बैटरी की रिपोर्ट निकलती है, ठीक है। बाकी पूरी वॉशिंग होती है, पूरा चेकअप होता है गाड़ी का, नीचे से बोल्ट वोल्ट सब चेक होता है, बस फर्स्ट सर्विस इतना होता है। लाते हैं एलो व्हील्स, देखते हैं काफ़ी शानदार एलो व्हील्स दिए जाते हैं इसमें आपको, जो कि आपको हैरियर और सफारी में देखने को मिलते हैं। देखते हैं चारों टायर मिलते हैं आपको एलो व्हील्स, देखते हैं, ठीक है। वही नीचे ये इसकी बैटरी, ये इसकी बैटरी पूरी, ठीक है। यहाँ पर अब दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ, देखते हैं 332.8 वोल्ट की है और इसका वेट है 332 kg। दिख रहा होगा आपको, और ये रही इसकी पूरी लंबी बैटरी, तो फ्रेंड्स इस नए वाले नेक्सॉन में आपको देख सकते हैं, आपको आगे भी कैमरा देखने मिल जाता है जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो आपको सेंसर देखने मिल जाता है, यहाँ पर एक सेंसर ये रहा और एक सेंसर ये रहा, देखते हैं फ्रेंड्स आगे दो सेंसर मिल जाते हैं और एक कैमरा मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर वहीं आप देखते हैं यहाँ पर आपको जो आता है मिरर में भी, इसमें भी एक कैमरा दिखाने जाता है, इसमें कैमरा ये रहा एक यहाँ साइड वाले मिरर में कैमरा दिखाने जाता है, और देखते हैं ये कैमरा, ठीक है। मतलब इसमें आपको कैमरे और सेंसर काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, आगे पीछे भी कैमरे दिए गए हैं बहुत ज़्यादा और सेंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। ये काफ़ी कुछ चीज़ चेंज की गई है इस नेक्सॉन में,